Welcome everyone, welcome at CS Notes Home and the Bit Solution GST Update. After a long time, मैं GST के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, बीच में कुछ वर्किंग की वजह से नहीं बना पाया था, तो आज मैंने जो टॉपिक चूज किया है GST का, एक्चुअली मेरे पास में बहुत सारी क्यूरीज आई थी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, और ट्रांसपोर्टेशन पे अभी तक हमने कोई वीडियो बनाया नहीं था, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की थी, सो आई फेल्ट कि एक वीडियो बनना चाहिए जिससे जो लोग ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के अंदर जो आते हैं उन लोगों को कुछ ना कुछ इससे फ़ायदा मिले। तो इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फिल्ड करके रखी है, आपको हमारी वेबसाइट www.thebitsolution.in डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, इस पर आना है। इस पर आने के बाद में आप ब्लॉग पे क्लिक करोगे, ब्लॉग के ऊपर पहला ही ब्लॉग आपको मिलेगा जीएसटी ऑन ट्रांसपोर्टर एंड लॉजिस्टिक सर्विस बाय ट्रक, जीएसटी रजिस्ट्रेशन टिप्स एंड जीटीए रूल्स। आप जैसे ही यहाँ पे आते हो दोस्तों, आपको सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ जीटीए कि जीटीए होता क्या। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि जीटीए होता क्या है और किस तरीके से उसमें डील की जाएगी। तो जीटीए का मतलब होता है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। इसका मतलब क्या है? एनी पर्सन हु प्रोवाइड सर्विस इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी ऐसा कोई भी बंदा जो सर्विस प्रोवाइड करता है किसके रिलेशन में, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स करने का बाय रोड, यानी बाय रोड जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स करता है एंड इश्यू कंसाइनमेंट नॉट, और जो इश्यू करता है उस ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए कंसाइनमेंट नॉट, वो गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट एजेंसी के अंदर आता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इफ द ट्रांसपोर्टर डज नॉट इश्यू ए कंसाइनमेंट नोट, द सर्विस प्रोवाइडर विल नॉट कम विद एम्बिट ऑफ जीटीए। अगर ट्रांसपोर्टर जो है वो अगर कंसाइनमेंट नोट इश्यू नहीं करता है तो जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो जीटीए के अंदर नहीं आएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर्विसेज नॉट प्रोवाइडेड बाय जीटीए एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। तो ऐसी वो सर्विसेज जो एग्जेम्प्टेड है जीएसटी के अंदर कौन कौन सी है, वो सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रोड बाय रोड एक्सेप्ट द सर्विस ऑफ कुछ, जैसे कौन कौन सी है, जीटीए की जो सर्विस है वो एग्जेम्प्ट है, कोरियर एजेंसी, सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड बाय इनलैंड वाटरवेज, दस ओनली ट्रांसपोर्टेशन सर्विस रेंडर बाय जीटीए आर सब्जेक्ट टू जीएसटी, द मेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। अब इसके लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बनाए हैं जो आप लोगों की क्यूरीज हो सकती हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आई एम ए सिंगल ट्रक ओनर ऑपरेटर एंड आई प्ले माई ट्रक मोस्टली बिटवीन स्टेट, कैरिंग द गुड्स बुक फॉर माई ट्रक बाय एन एजेंट, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सर्विस विच आई प्रोवाइडेड एक्सीड 20 लाख ड्यूरिंग लास्ट ईयर, एम आई सपोज टू टेक रजिस्ट्रेशन। यानी ये बंदा पूछना चाहता है कि मैं एक ट्रक ओनर हूँ, सिंगल ट्रक का है मेरे पास में, उसका मैं ओनर हूँ जिसे ऑपरेट भी करता हूँ, और ये जो ट्रक होता है ये मोस्टली दो स्टेट के बीच में गुड्स को लाता ले जाता है और एजेंट के थ्रू ये पूरा काम होता है, तो मेरी जो सर्विस वैल्यू है वो एक्सीड 20 लाख ड्यूरिंग लास्ट ईयर, तो मेरी जो सर्विस वैल्यू जो थी वो 20 लाख क्रॉस हो चुकी है, तो अब मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है क्या? आंसर होगा यू आर नॉट लाइबल टू रजिस्ट्रेशन एज सर्विसेज प्रोवाइड बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड आर एग्जेम्प्ट। आपको रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप जो है वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आ रहे हो जैसा कि इसमें नोटिफिकेशन में बताया गया है, तो यहां पे आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है, आई ओन ए सिंगल ट्रक एंड आई रेंट इट टू मेजर प्लेयर, यानी इनके पास में एक सिंगल ट्रक है जो रेंट पे देते हैं ये, जो भी सर्विस प्रोवाइडर होंगे उनको, वो प्रोवाइड जीटीए सर्विस, जो जीटीए की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, शुड आई टेक ए रजिस्ट्रेशन, डज माई मंथली रेंटल लीज इनकम अट्रैक्ट जीएसटी। आंसर, रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड सिंस सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर ए मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू ए जीटीए आर एग्जेम्प्ट। अब यहाँ पे अगेन वही चीज है कि जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स यानी वो सर्विस जो जीटीए के पास में जा रही है दैट इज एग्जेम्प्ट। इसका मतलब आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं देना, आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, आपका जो मंथली रेंटल लीज इनकम है वो जीएसटी को अट्रैक्ट नहीं करती है। थर्ड क्वेश्चन है, इन माई ट्रक आई ओनली कैरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन रिलेशन टू हूज ट्रांसपोर्टेशन सर्विस जीएसटी इज एग्जेम्प्ट, शुड आई टेक रजिस्ट्रेशन। इसका आंसर है, सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड अदर देन बाय ए जीटीए और ए कोरियर एजेंसी आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर। तो ये भी यहाँ पे अगर आप इस तरीके का कोई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का मोस्टली काम ट्रांसपोर्टेशन से ही होता है और ट्रक वगैरह के अंदर ही होता है, तो ये जो सर्विस है ये भी यहाँ पे जीटीए और एक कुरियर एजेंसी आर एग्जेम्प्ट। तो अगर आप जीटीए के थ्रू इससे कर रहे हैं तो ये एग्जेम्प्ट है।
अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है दोस्तों, आई एम ए ट्रक सप्लायर ब्रोकर, ये ब्रोकर है जो ट्रक को सप्लाई करता है। माई जॉब इज टू गेट ऑर्डर्स फॉर ट्रक ओनर्स, आई कोट द रेट फॉर ट्रांसपोर्टेशन टू GTA ऑन बिहाफ ऑफ ट्रक ओनर्स एंड गेट ए स्मॉल अमाउंट एज ए कमीशन आउट ऑफ द ट्रक हायर फिक्स्ड विद द GTA। द ब्रोकरेज इज पेड बाई द ट्रक ओनर्स एज द सर्विस प्रोवाइडेड बाई वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाई रोड आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स एज आई एम आई लाइबल टू टैक्स रजिस्ट्रेशन अंडर GST। आंसर येस, यू आर लाइबल टू रजिस्ट्रेशन इफ द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ कमीशन रिसीव बाई यू इन ए फाइनेंशियल ईयर 20 लाख। बिकॉज यहाँ पे ये डायरेक्ट जो सर्विस है वो इसकी खुद की नहीं है, ये क्या कर रहा है, ये सप्लायर है किसका, ये ट्रक ओनर्स जो हैं, जो इनके पास में कोटेड रहते हैं उनको सप्लाई कर रहा है, उनके ट्रक्स को ये GTA को दे रहा है और उसके बीच में ये अपना मुनाफा कमा रहा है। तो अगर इनका जो मुनाफा है, इनका जो कमीशन है वो अगर 20 लाख से ज्यादा होता है तो इन्हें यहाँ पे GST में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन है, एज अ ट्रांसपोर्टर एम आई रिक्वायर टू मेंटेन एनी रिकॉर्ड्स ऑफ माय सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मैं सिर्फ ये GTA के लिए नहीं कहूंगा, जिन लोगों के पास में भी GST का रजिस्ट्रेशन है मैं उन्हें क्लियरली कहना चाहूंगा कि यस, यू नीड टू मेंटेन ईच एंड एवरी रिकॉर्ड्स ऑफ योर GST ट्रांजेक्शन। बिकॉज GST में ये पेनल्टी प्रोविजन है कि अगर कभी GST मेंबर्स आपके यहाँ पे आते हैं चेकिंग वगैरह के लिए और अगर आपके पास में रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं, इनवॉइसेस प्रॉपर नहीं मिलती है तो डायरेक्ट पेनल्टी है दोस्तों। तो इसके लिए सिर्फ ट्रांसपोर्टेटर के लिए ही ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, ये उन सभी लोगों के लिए, ट्रांसपोर्टेटर जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है उसे तो रखना ही है, बाकी जो लोग GST में एंटर्ड हैं, जो लोग भी GST के साथ में हैं, उन सभी लोगों को अपने सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने चाहिए। दोस्तों इसके साथ में मैं कहूंगा कि अगर अभी भी आपको कोई क्वेरीज हैं, अगर अभी भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं, अगर अभी भी आपको लगता है कि मुझे और कुछ पूछना है तो आप इसी पोस्ट के नीचे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे लीव ए रिप्लाई का ऑप्शन है, आपको लॉग इन विथ फेसबुक करना है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हो, अगर आपने फेसबुक का अकाउंट पहले से लॉग इन कर रखा है तो ये डिटेल नहीं मांगेगा, अगर आपने नहीं कर रखा है तो यहाँ पे ये डिटेल पूछेगा आपसे कि आपको लॉग इन विथ, जैसे इसने मेरा पूछा है तो मैं इसे लॉग इन करता हूँ। जैसे ही आप लॉगिन करते हो ये परमिशन मांगेगा, आपने बहुत सारी एप्स वगैरह पे यूज किया होगा, सेम एजा हमने भी सोचा कि फेसबुक इज ए इजी टास्क फॉर अ कमेंट एंड अदर थिंग्स। जैसे ही आप कमेंट वगैरह करते हो तो हमारे जो भी एक्सपर्ट्स पैनल होंगे GST के ऊपर वो आपको एज सून एज इसके ऊपर रिप्लाई जरूर देंगे। तो इसके साथ में दोस्तों, इसके साथ में ही ब्लॉग डिस्कशन के अंदर भी आप बहुत सारे GST से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं या बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं जो हम लोगों ने डिस्कशन के अंदर प्रोवाइड किए हैं आप लोगों को। ब्लॉग के अंदर भी काफ़ी सारे ब्लॉग्स हैं जो डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड और बहुत सारे GST वगैरह से रिलेटेड भी हमने यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं आपको। तो ये देखिए, यहाँ पे जैसे ही आप अकाउंट को लॉग इन करते हो यहाँ पे ही आपका डैशबोर्ड आ जाता है। अब आप वापस ब्लॉग में जाओगे, यहाँ से ब्लॉग आप देख सकते हो, ये रहा आपको। जैसे ही आप ब्लॉग ये पोस्ट ओपन करोगे आप नीचे जाओगे, नीचे जाके आप यहाँ से अपना कमेंट, जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो और पोस्ट कमेंट कर सकते हो। तो जैसे ही आप पोस्ट करोगे ये क्वेश्चन हमारे पास में आएगा, हम उसे एक्सपर्ट टीम के पास में भेजेंगे और वो इसका रिजोल्यूशन आपको एज सून एज पॉसिबल आपको देगी। इसके साथ में दोस्तों, अगर किसी भी GST से रिलेटेड अगर आपको कोई क्यूरी हो तो इसमें तो आप पूछ ही सकते हो। अगर किसी को डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायर्ड हो तो यहाँ पे हमारे पास में वैरायटी ऑफ डिजिटल सिग्नेचर अवेलेबल है, तो आप अपना ऑर्डर कर सकते हो। फ्री शिपिंग है, फास्ट प्रोसेस है, सेम डे हम यहाँ से डिस्पैच कर देते हैं डिजिटल सिग्नेचर को। और बहुत सारे ऐसे प्लेसेस भी हैं जहाँ पे हमारे DSC एसोसिएट्स हैं, तो आप डायरेक्टली वहाँ पे जाके भी अपने यहाँ पे DSC आप पिक भी कर सकते हो। जैसा कि आप नीचे देखोगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे, अगर ये लोकेशन है तो यहाँ पे तो DSC प्राइम सर्विस है हमारी, अदरवाइज हम FedEx और ब्लू डार्ट के थ्रू सेंड कर देते हैं, तो आपको 3 डेज के अंदर, 2 से 3 दिन के अंदर आपको आपका DSC घर पे मिल जाता है। थैंक यू एवरीवन, वीडियो को लाइक जरूर लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसके बाद में बहुत सारे अब नंबर ऑफ सीरीज ऑफ वीडियो GST के ऊपर हम लोग लेके आने वाले हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।